मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद है प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए खजाना खुला हुआ है। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई फरियादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इस भरोसे से बहुत संबल मिला। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान कई फरियादियों के इलाज संबंधी समस्या को सीएम योगी ने पूरी संवेदनशीलता से सुना और समझा। उनकी या उनके परिजनों की बीमारी और चल रहे इलाज की जानकारी ली। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कर शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने फरियादियों से कहा कि किसी भी प्रकार की चिंता न करें, सरकार इलाज के लिए भरपूर धन देगी, कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अपनी माता के साथ आए एक बालक से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी ली कि उस बालक का हाथ कैसे जल गया था। आगे सावधानी से रहने की सीख देते हुए उन्होंने उसकी माता को निश्चिंत करते हुए कहा कि परेशान मत हो, उसका इलाज सरकार कराएगी। दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 500 लोगों से मुलाकात की। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद चलकर गए। इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया कि हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पुलिस से संबंधित समस्याओं को पुलिस अधिकारियों को तथा राजस्व से संबंधित समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों को संदर्भित करते हुए यथाशीघ्र संतुष्टिपरक और निष्पक्ष निस्तारण का निर्देश दिया। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को भी मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा। उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट के साथ खूब पढ़ने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। जनता दर्शन में फरियादियों से मिलने के पूर्व उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने के साथ ही अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। जनता दर्शन में बिहार की एक महिला रोजगार की फरियाद लेकर आई थी। मुख्यमंत्री ने उसकी समस्या सुनते हुए कहा कि क्या बिहार में काम नहीं मिल पा रहा है। महिला द्वारा नहीं जवाब दिए जाने पर सीएम योगी ने कहा कि काम तो वहां भी मिलना चाहिए, पर यदि वहां नहीं मिल रहा है तो काम की व्यवस्था हम यही कराएंगे। इसको बनवा के मेरे पास भेजो जी, हम दिलाएंगे पैसा, ठीक है ना। उसको उपचार बोले स्कूल पढ़ते हो रे? कौन क्लास में पढ़ते हो? कैसे हाथ जल गया? तो थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। अच्छा अभी से करवा दो उसको उपचार, ठीक है ना। एस्टिमेट बनवा के पैसा भिजवाएंगे, उससे करवा दो। क्या बात है, बैठ जाना, आप आराम से बैठ के अपनी बात बताओ क्या है। अभी देखो कार्रवाई करो, तुम स्कूल पढ़ते हो, स्कूल नहीं जाते हो, क्या बात है, इसको पकड़ो। आप बिहार के रहने वाले हैं तो वहाँ पे बिहार में आपको काम नहीं मिल रहा है, वहाँ मिलना चाहिए ना। कहीं देखो जी, कहीं कोई काम धाम करे, यहाँ काम तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा ना आपको। आप बताएं क्या बात है, कहाँ का मामला है, क्या है? जमीन को तीन देवर हैं, सब चार लोग।